आज हम पढ़ेंगे अलजेब्रा का। और अभी तक जो पिछले सेशन में पढ़ाए थे वो आप देखें, और उसको देखने के बाद इस सीरीज को देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टाइप है ए एक्स प्लस वन बटे बी एक्स इक्वल टू के। तो बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के स्क्वायर, इस तरीका का फॉर्मेट रहेगा क्वेश्चन का निकालने का, ठीक है। यानी फॉर्मेट है ए एक्स प्लस वन बटे बी एक्स बराबर के, तो क्वेश्चन रहेगा बी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस वन बटे ए स्क्वायर के स्क्वायर बराबर वन। जिसे हम क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन है 2x प्लस 1 बटे 3x बराबर 6। तो 9x स्क्वायर प्लस 1 बटे 4x स्क्वायर बराबर व्हाट, ठीक है। चूंकि यहाँ पे क्या है 2x है, यहाँ पे 2x है, अगर आप दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ 9x स्क्वायर है नहीं आएगा। यानी यहाँ पे कितना होना चाहिए था 3, और यहाँ पे कितना होना चाहिए था 2। इसको हम क्या करते हैं, 3/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 3/2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3x, और 3 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा कितना 2x, और ये होगा कितना, ये 9 हो जाएगा। यानी 6 × 3/2, 3×2 = 6 और 3×3 = 9, ठीक है। अब इससे आप इसको निकाल सकते हैं। ये तो आपको दो मेथड बताएंगे, एक लॉन्ग मेथड एक शॉर्ट मेथड। पहले लॉन्ग से देखिए, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 9x² प्लस 1/4x² प्लस 2 × a b × 81। x कट गया, 2 कट गया, तो बचा कितना 81, और इधर 3 प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x². अब 3 उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बच जाएगा, ये 78 बचेगा। यानी 3 अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर आएगा 78। इसी को अगर हम ट्रिक से देखें, यानी शॉर्ट देखें, डायरेक्ट देखें कैसे बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में तो इतना समय नहीं होगा सॉल्व करने का, तो इसको शॉर्ट बनाने के लिए आप क्या करेंगे, जरा ध्यान देंगे। तो 3x प्लस 1/2x बराबर कितना था, 9 था। आप 9 का स्क्वायर कर दीजिए और 2 × जिससे आप मल्टीप्लाई किए थे उसको आप यहाँ पे रख दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 81 - 3, यानी 78 आंसर हो जाएगा। आप चाहे तो डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं। इसी पे एक और क्वेश्चन है, जैसा ध्यान देंगे, 2x प्लस 1/5x इक्वल टू 4 है, और तो 5x² प्लस 1/4x² बराबर क्या है व्हाट। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं तो ये 4x² आ जाता है, ये 25x² हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, उल्टा है। यहाँ पे 25x² है, यहाँ पे 4x² है। यानी यहाँ पे 5 होना चाहिए था, यहाँ पे 4 होना चाहिए था, तो इसको हम क्या करते हैं, 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल होगा, 5x बचेगा, और इसमें 5 कैंसिल होगा, 1/2x बचेगा, और 4 × 5/2 कितना होगा, 4 × 5/2 यानी कितना होगा, ये 10 होगा। यहाँ पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे, ठीक है। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 25x², यानी आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab होता है, ठीक है। इसी पर हम ब्रेक करते हैं तो ये हो जाता है 1 बटे 4x² प्लस 2 इंटू 5x इंटू 1 बटे 2x इक्वल टू 100, ठीक है। तो x x कैंसिल, 2 2 कैंसिल, तो ये हो जाता है कितना, 5 इक्वल टू 100। और इसको आप लिख दीजिए 525x² प्लस 1 बटे 4x², और यहाँ पे 100 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 95। तो इस तो हो गया आपका लॉन्ग मेथड। अब इसका शॉर्ट मेथड समझेंगे। शॉर्ट मेथड कैसे आप डायरेक्ट एग्जाम हॉल में आप आंसर लिखेंगे, तो 5x प्लस 1 बटे 2x इक्वल टू कितना है, 10। आप क्या करिए, 10 का स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, इंटू 2ab होता है। लेकिन आप इसमें जो मल्टीप्लाई किए, इसमें जो मल्टीप्लाई किए उसी को यहाँ पे क्या कीजिए, आप रख दीजिए, और सॉल्व करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस कंसेप्ट को जरूर समझे होंगे। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बहुत स्टूडेंट इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।